हेलो फ्रेंड, आइए आज की वीडियो हम समझेंगे अगर हमें टीयर ड्रेस बनानी होगी तो कैसे बनाते हैं। ठीक है, आपने टीयर देखी देखी बहुत होंगी, आपको कन्फ्यूजन भी रहता होगा बनाने में। ठीक है, अगर चीज़ें आपको बनाने आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है, तो इस वीडियो में आप समझेंगे कि अगर टीयर ड्रेस कैसे बनानी है वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास पैटर्न है, ये इसका क्या है, ये इसका बैक है, ठीक, ये गारमेंट का, और ये इसका फ्रंट है। ठीक है, तो इसमें टीयर पड़ी हुई है। टीयर की पहचान क्या होती है, जैसे जो उसको एक कट, दो कट, तीन, चार, जैसे ये इनको बोलते हैं टीयर बोलते हैं। ठीक है, तो इनको ही मतलब टीयर ड्रेस बोलते हैं, कोई पैनल वाली ड्रेस मिलते हैं जनरली, इनके दो नाम जनरली रहते हैं। ठीक है, तो इनको बनाते कैसे हैं, बनाने का क्या मेथड होता है वो देखेंगे। ये गारमेंट है, थोड़ा ए लाइन है, वो गारमेंट हमें देख के ही समझ में आ रहा है कि ए लाइन है। ठीक, तो हम उस हिसाब से इस गारमेंट को बनाएंगे। गारमेंट हमारा क्या, बॉडी से ज़्यादा लूज नहीं है, अगर आप चीज़ें देख पा रहे होंगे तो। ठीक है, उसका रीज़न है क्योंकि बैक में भी गैदर है और थोड़ा ए लाइन है, तो साइड डार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो बॉडी से हम क्या करेंगे, इसको कम से कम लूज रखेंगे 1 इंची। ठीक है, बॉडी को कम से कम 1 इंची लूज रखेंगे, और साइड डार्ट हमारा ए लाइन रहेगा तो और फैब्रिक उसको मिल जाएगा, तो नॉर्मली डार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, इसकी जो हम लंबाई है इस वाले गारमेंट की, वो हम रख रहे हैं करीब 48 इंची। ठीक, तो आइए इसको बनाते हैं, यहाँ से जाते हैं, ये हो गया आपकी 48 इंची। ठीक है, और इसकी जो ब्लॉक आएगा हमारा 8.354 ये आएगा। ठीक है, करीब 1 इंची करीब लूज हो, और लेंथ जो वो चेस्ट जो रहती है आपकी, अगर मान लो जो स्मॉल की रहती है 34, 34.5 रहती है, 34.5 रहती है, उसके हिसाब से 1 इंची लूजिंग डाल सकते हैं, या 34 है तो उसके हिसाब से आप 1 इंची लूजिंग डाल सकते हैं। ठीक है, ब्लॉक बनाएंगे सबसे पहले इसका। ठीक, ब्लॉक बनाने से आप पहले आप अगर जाओगे तो आप प्लेसमेंट भी डाल सकते हो। ठीक है, प्लेसमेंट कैसे डालते हैं, जैसे मान लो आप यहाँ से हो गया आपका आरमोल का प्लेसमेंट, ठीक, उसके बाद आपका बेस्ट का प्लेसमेंट हो गया, ठीक, उसके बाद आपका हो गया ये टीयर्स का। ठीक है, अगर टीयर को आप गौर से देखेंगे तो जैसे ये करीब 6 से 7, 6.5-7 इंची है, और ये देखेंगे करीब 13, इससे लगभग डबल के लगभग लगभग में डबल के है। ठीक है, तो उसको हम देख लेंगे कितनी आती है हमारी, तो ये एक डालते हैं हम यहाँ से, यहाँ से आगे हमारी करीब 7 इंची। ठीक, उसके बाद डालते हैं, हम नाप लेते हैं कितना हमारा पॉइंट है यहाँ से आता, ये 26 है, 26 सवा 26। ठीक, तो मैं इसको ले लेता हूँ एक 13 इंची। ठीक, एक मेरी ये हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको प्लेसमेंट डाल देता हूँ यहाँ से 13.25। ठीक है, 26.25। ठीक है, ये हो गया, ये बेस्ट वाला हो जाएगा। ठीक, इसको बेस्ट वाला डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक, ये आरमोल की पोजीशन है आपकी। ठीक, अब आइए इसका ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, इसके टीयर की प्लेसमेंट डालना बहुत इसलिए ज़रूरी होती है, क्रॉस चेक करना, क्योंकि टेम्पलेट अगर चीज़ें नहीं बनाएंगे तो क्या है, अगर पैटर्न का और ये और जो आपका स्केच का उसका लगभग लगभग सेम रहना चाहिए, क्योंकि गारमेंट क्या है, गारमेंट के हिसाब से पैटर्न बनना, अगर मैच नहीं करता है तो आपका लुक अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका ब्लॉक बनाते हैं। सबसे पहले इसकी देखते हैं नेक ब्रेथ कितनी है। ठीक है, नेक ब्रेथ अगर आप जनरली देखेंगे तो 6 इंची आपकी रहती है करीब, ये आधा इंची इधर हटी हुई है और आधा इंची इधर है, आधा इंची इधर है। ठीक है, ड्रॉप भी है, तो लगभग आधा आधा इंची आपकी हटी हुई है नेक ड्रॉप। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसको ब्लॉक बनाएंगे। ठीक, अगर चीज़ एक बार समझ में नहीं आई हो तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक, जैसे ये बैक नेक ड्रॉप है, जो नेक विड्थ है ये हटी हुई है और इधर भी है। ठीक, वैसे ही आपका इधर देख लो इसका, ये यहाँ देख पा रहे हो। ठीक है, फ्रंट में है, तो हमारी जो नेक विड्थ है हम करीब रखेंगे इसकी 7 इंची नेक विड्थ करेंगे, फ्रंट नेक ड्रॉप जो है करीब 3.5 इंची, बैक नेक इंची 1.25 से 1.5 इंची आप रख सकते हो। ठीक है, थोड़ी बैक नेक ड्रॉप थोड़ी ज़्यादा है हल्की सी। ठीक, आरमोल जनरली जो हमारा रहता है वो करीब 9 इंची पर रहता है एचपीएस से, हम क्या रखेंगे उसको कम रखेंगे क्योंकि इसमें स्लीव नहीं है, स्लीव नहीं है तो आधा इंची कम रखेंगे, तो उसको भी 8.5 पर बनाएंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है इसमें, जैसे इसके जो शोल्डर हैं जनरली हमारे स्लीव वाले वो रहते हैं, उनमें रहते हैं 14 से 14.5 से 14.5। ठीक है, या 14 से 14.5 रहते हैं। ठीक है, इनमें क्या है, कम रखने पड़ेंगे क्योंकि ये स्लीवलेस है। ठीक है, अगर हम रखेंगे तो नॉर्मली रखेंगे तो यहाँ करीब शोल्डर आएगा, यहाँ से हम फैब्रिक कम रखेंगे। ठीक, कितना रखेंगे वो देख लो अभी ब्लॉक में, तो हमारा कितना है,
3 इंची हमारी करीब नेक ब्रेथ आती है, ठीक, ब्लॉक की जो रहती है, और 3 इंची फ्रंट नेक ब्लॉक, ठीक है, बैक नेक हो गई करीब 500, ये नॉर्मली ब्लॉक की है। ब्लॉक का जो शोल्डर चलता है 14.25 से 7.1/8, ठीक है, ब्लॉक को चलता है 14.25 से 14.5 स्मॉल साइज का। यहाँ तक आ गए, इसको कट कर दीजिए, ठीक, इसका वन थर्ड कर दीजिए, वन थर्ड इसका कितना आएगा 14 का, इस वन थर्ड किसका करना है आपको, इस शोल्डर का, ठीक है, ये कितना है 4.1/3, ठीक है, तो ये करीब आ रहा है 1/37, 1 इंची 3 सूत के लगभग आपका आ रहा है, ठीक है। ये हमने ब्लॉक में ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा क्या शोल्डर कम रहेगा अगर अगड़ों पिक्चर देखेंगे, पर इसको हम इसलिए करके चल रहे हैं कि इसका हमें जो स्लोप है वो चाहिए, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, इसको -1.3/8, ठीक, ये हो गया, ये हमारा डम्मी के अकॉर्डिंग स्लोप हो गया, ठीक है, ये बैक नेक ड्रॉप हटा दीजिए, ठीक है। अब क्या जो मैंने बताई थी नेक ड्रॉप नेक ब्रेथ हमें कितनी चाहिए, मैंने बताई थी करीब 7 इंची हम नेक ब्रेथ रखेंगे इसकी, ठीक है, या 7 से आपको थोड़ा बहुत प्लस भी कर सकते हो, हम क्या कर रहे हैं 7 रखेंगे, 7 का आधा हो गया 3.5, फ्रंट नेक ड्रॉप भी 3.5 रख रहे हैं हम, 3.5, ठीक है, -3.5, ठीक, और बैक नेक ड्रॉप हमने कहा था 1 से 1.25 इंची, तो हम करीब 1.25 इंची बैक नेक ड्रॉप रख लेते हैं, ठीक, ये हो गई हमारी बैक नेक ड्रॉप, ठीक। शोल्डर क्या है, हम नॉर्मली हमारा जो शोल्डर है उससे कम रखेंगे करीब, आपके आपका जो शोल्डर कम से कम आप आना चाहिए 6 सूत कम, कम से कम, ठीक है, ये हमारा शोल्डर हो गया, यहाँ तक चीज़ क्लियर है। इस टाइप से कार्ड निकालेंगे, ठीक है, इस टाइप से निकालने से क्या रहता है, ये प्रॉपर जो है डम्मी पे बैलेंसिंग रहता है आपका पीस, ठीक है। अगर चीज़ों में कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप अपना गारमेंट बना के डम्मी पे चेक करके देख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा और क्लियरेंस हो जाएगा। ठीक, ये हो गई हमारी फ्रंट नेक ड्रॉप, ये बैक नेक ड्रॉप, ठीक। और नॉर्मली क्या है, जो आपका शोल्डर है वो आर्मोल है, वो नॉर्मल से कम रहेगा, ठीक है। अभी हमारा कितने पे, 9 पे है, तो हम उसको क्या करेंगे, आपका जो 9 पे है तो उसको क्या करेंगे, आपका 8.5 पर रखेंगे, ये 3.5 है, 3.5 हो जाएगा आपका -5, ये चाहिए हमें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8.5, ठीक है। हमने इसको यहाँ से क्यों ड्रॉप लिया, हमने यहाँ से इसीलिए लिया क्योंकि हमारा यहाँ से क्या कटा हुआ है, क्योंकि स्लोप के हिसाब से तो हमारे यहाँ से थोड़ा मेजरमेंट आउट हो सकता है, यहाँ से आउट नहीं होगा, ठीक है। अगर आप देख पाएंगे तो अभी मैं पिक्चर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, मैंने, ठीक है, -5, ठीक, मैं इसका बैक फ्रंट बनाता हूँ पहले गारमेंट के, ठीक है, ये पॉइंट आपका यहाँ हो गया, ठीक है। और ये थोड़ा गारमेंट जो है वो थोड़ा ए लाइन है, ठीक, ये आपकी बेस्ट पोजीशन है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या गारमेंट थोड़ा ए लाइन ले लो, ठीक, ए लाइन 0.5/8, 5/8 पॉइंट हमने गलत लगा दिया उसमें, 5/8, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा इतना ए लाइन है गारमेंट। इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इसका फ्रंट का गला बनाते हैं, ठीक, उस हिसाब से फ्रंट के आर्मोल भी बनाएंगे, तो इसको क्या मिरर कर लीजिए। सबसे पहले मेन चीज़ में क्या होगा, आपका जो होगा वो बॉडी, ठीक है, बॉडी के बाद टीयर आपकी सीधी सीधी हो जाएंगी, तो बॉडी सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है का आपको अच्छे से बना के रखनी है, ठीक है। तो हम इसकी बॉडी तैयार करते हैं इसमें, ठीक है, थोड़ा गारमेंट आपका ए लाइन है तो थोड़ा आर्मोल डाउन भी रहेगा, ठीक है, आर्मोल थोड़े अच्छे रहने चाहिए आपके गारमेंट के, तो पैटर्न के, तो थोड़ा गारमेंट थोड़ा अच्छा बैठेगा,
ठीक है, यहाँ पे दे दीजिए करीब 2 सूत का डिफरेंट डाल दीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, शोल्डर कम है तो 3 सूत का ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। ठीक, बैक का गला बना लीजिए इसको, ठीक है। उस हिसाब से इसका फ्रंट का गला, ये बैक का गला, इसका फ्रंट गला, एक बैक में योक भी है, ठीक है। तो हम इसका एक योक डाल देते हैं करीब 4.5 इंची का, अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है। एक बैक में योक, मैं दिखाता हूँ योक आपका कैसा है, यहाँ से आप देखिए, ये बैक में एक योक है, उसमें की होल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने इसको HPS से रखा है 4.5, 4.5 से 4.5 इंची करीब इसकी इसकी लेंथ होगी, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक। तो हमें लग रहा है हमारे 4.5 है, चाहेंगे तो आप थोड़ा बहुत और बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, 2 सूत बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं। अब आप चाहो इसकी बॉडी निकालो फटाफट, ताकि पता चलता रहे हमारा बना क्या है। -5/8, क्योंकि ये सीधा हो जाए, ठीक है। बाकी कोई प्लेसमेंट डालने के है नहीं, आप देखेंगे तो हमारा टेम्पलेट और बॉडी मैच हो रही होंगे। आप शोल्डर भी देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसका शोल्डर लगभग बराबर ही है। गला हमने क्या, आधा इंच इधर आधा इंच इधर एक्स्ट्रा रखा है, ठीक, अकॉर्डिंग टू पिक्चर के। अब जो उसमें रेशियो है, हम क्या करेंगे 50% का डालेंगे, रेशियो अलग अलग रहते हैं, इस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 50% का रेशियो डालेंगे, रेशियो आपका 50% से कम भी रहता है और प्लस भी रहता है, डिपेंड करता है ये गारमेंट पर, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बॉडी निकालते हैं, उस गारमेंट को फिनिश करते हैं, ठीक है। टेम्पलेट इसलिए बनाना मस्ट होता है ताकि उससे क्या है, प्लेसमेंट आपके आ जाते हैं तो उससे क्या है, डिज़ाइन आपकी गड़बड़ नहीं लगेगी, ठीक है। अगर प्लेस वो नहीं डालोगे तो फिर आपको दिक्कत रहेगी। हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इसमें बैलेंसिंग डालेंगे, ठीक, साइड बैलेंसिंग दोनों में डाल दो आप नॉर्मली, ठीक। आपकी कितनी रहती है, 3 सूत नॉर्मली, ठीक है। इस टाइप के गारमेंट में क्या थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ती है, क्योंकि ए लाइन है, तो हम करीब आधा इंची डाल देते हैं, और जो बैलेंसिंग है वो दोनों में ही डलेगी, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो बॉडी में बैलेंसिंग रहेगी वो फ्रंट में रहेगी, मैं उसका दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे ये बैक हो गई आपकी, ठीक। अब इसमें क्या, फ्रंट में करीब आधा इंची या 5 सूत आप बढ़ा सकते हो, ठीक। इससे क्या आपकी चीज़ें थोड़ी सेफ हो जाएंगी। ठीक है, ये आपका गारमेंट इस टाइप से बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको भी थोड़ा सही करो, यहाँ से जाओ इसको चेक कर लो ऐसे करके,
ठीक है, इससे क्या आपका गारमेंट का पता चलता रहेगा बैलेंसिंग कहाँ ज़रूरत है थोड़ी। ठीक है, मिरर है तो इसलिए कटेगा नहीं, तो गारमेंट आप बैलेंसिंग कर सकते हो यहाँ से, कैसे रहेगा बैलेंसिंग। ठीक है, उसको क्या है, इनके जो आर्मोल हैं वो चेक कर लो किस टाइप से आपको रही चाहिए। आपके कैन का शोल्डर फॉरवर्ड कर लो, ठीक है, ज़्यादातर गारमेंट में जनरली आपका जो रहेगा शोल्डर फॉरवर्ड आधा इंच ही रहेगा। ठीक है, ये क्या है आपकी डमी मांगती है, उससे ज़्यादा रहेगा तो वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चलेगा, फिर उसमें क्या रहेगा वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें बनेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से कितना हो गया हमारा, ये करीब कम आधा इंची। यहाँ से आधा इंची, ठीक, इसको कर लो कट। इसको जॉइंट यहाँ से कर लो, ठीक है, इसको थोड़ी सेव करो ताकि अच्छा थोड़ा लगे। ठीक, अब आपका क्या है इसमें, अगर गारमेंट आपको थोड़ा लगता है कि शेप में हल्का बहुत कम करना है यहाँ, तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ये। ठीक है, इससे क्या है कोई मेजरमेंट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ मेजरमेंट होता है इस वाली लाइन पे। ठीक है, जितना ये रखोगे उतना ही आपको फ्रंट वाला रखना पड़ेगा। ठीक, अब इनके मेजरमेंट देख लो कितने, 98। ठीक, ये पॉइंट पकड़ लो यहाँ से, ठीक है, ये भी 97-98 हो गया, कोई पॉइंट फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक, ये हो गया आपका फ्रंट, ये क्या है आपकी बैक है। ठीक, इसको कट करो, एक बार इसकी साइड जरूर चेक करोगे आप कैसी आ रही कैसी नहीं। ठीक, ये थोड़ी गड्ढे में आए, उससे ये फायदा है, उसका रीज़न ये रहता है कि इस साइड 22 में आती है तो थोड़ी ये बढ़ेगी, थोड़ी गड्ढे में रहेगी तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इस हिसाब से रहेगी, क्योंकि थोड़ी बहुत ये बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी अगर बढ़ा के रखोगे जब ये साइड लगेगी तो थोड़ी और बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके हिसाब से ये आर्मोल भी चेक करोगे अपने, क्रॉस चेक ठीक है कि नहीं है, ठीक, वो चीज़ें करके चलोगे। अगर ये गारमेंट ए लाइन नहीं रहता है तो फिर गड्ढे की उसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि हमेशा जितना फ्लेयर होगा गारमेंट में उतनी साइडें लटकती ज़्यादा हैं गारमेंट की। ठीक, इसको बना लेते हैं आपका, यहाँ से की होल ले लीजिए कम से कम 6 सूत ऊपर। ठीक है, एक की होल आपका ये है, ठीक है, ये जो ड्राइंग कर रखा है, ठीक, तो उस हिसाब से इसको बाइंडिंग वाला है, तो यहाँ से आ जाइए उसका -1/8। ठीक है, इसको बनाइए,
डिजाइन ठीक है, ये हो गया, इसको कट कर दीजिए। ठीक है, इस पर क्या एक बाइंडिंग का मार्कर लगा दीजिए जो आपका लगेगा। ठीक है, आप लिख दीजिए इसका लूप कितना रहेगा। ये दोनों रिफ्लेक्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे इसको रिफ्लेक्शन ही आएगा, सिमेट्रिक में आता है, यहाँ से हटा दीजिए, सिमेट्रिक बोले तो मिरर के। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए लूप। ठीक है, ये आपकी लूप हो जाएगी, तो इसको क्या है आप बड़े में लिखेंगे, लूप हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक, ये आपकी लूप रहेगी। ठीक, इसको छोटा कर दीजिए साइज में, ऐसे से आपको पता रहे। ठीक, अब क्या है इसको देखिए फटाफट गारमेंट को। अब इसमें क्या बैक में भी देखेंगे तो आप गैदर है, ठीक गैदर है, तो इसमें भी थोड़ी हल्की हल्की गैदर डाल दो। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, गैदर डालेंगे बैक बॉडी में। ठीक है, इस वाली बॉडी में यहाँ पे। ठीक, तो इसको अभी मैं कर देता हूँ फिलहाल कॉपी, ठीक है, ताकि आपको गैदर का फैब्रिक पता चलता रहे। रेशियो क्या है, योक पे थोड़ा कम रहेगा, उसका रीज़न है यहाँ, क्योंकि योक पे ज़्यादा फैब्रिक दे नहीं सकते, आपको दिख भी रहा होगा हल्का खा, तो लगभग 25% या 30% करीब गैदर डाल, रेशियो डाल दो 6। ठीक, तो आपको करीब मान लो 2 इंची 6 में से करीब मान लो ये आपका आधा आधा इंची तो गैदर डलेगी नहीं, 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा 0.5 इस पर भी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें करीब गैदर डाल दो 5.5 में। ठीक है, तो हम करीब यहाँ पे जो फैब्रिक बढ़ाएंगे करीब 2 इंची फैब्रिक यहाँ बढ़ा देते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा ही आपको बढ़ाना है तो अपने हिसाब से आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, रेशियो आप कैलकुलेट करके बताओगे कि मैंने कितने परसेंट इसमें रेशियो बढ़ाया है। ठीक है, मैं यहाँ 2 इंची फैब्रिक बढ़ा रहा हूँ, इसके हिसाब से क्या है कितना रेशियो मैंने कराया है, तो वो चीज़ें आप इसमें अपडेट करके बताओगे। चार, ठीक है, दो दो सूट खुलेगा, 2 2 4 8 हो जाएगा। ठीक, हमारे हो जाएंगे 8 पॉइंट। ठीक है, इसको कर दो ओके। ठीक, ये आ गया आपका पीस। ठीक, ठीक है, ये देख रहे होंगे आप इतनी एरिया में 2 इंची फैब्रिक बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी 3। ठीक है, ये बैक योक योक। ठीक, कट कितने जाएंगे, कट आप चाहो तो 1 पीस में दे दो, चाहो तो डबल में। तब का क्या करते हैं, कट योग जब भी दो तो 2 पीस में डाल के चलो। ठीक है, उससे क्या थोड़ा बढ़िया आता है लुक पैटर्न उसके गारमेंट का। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, इसको डबल लेयर में कर दिया है। ठीक, ये हो जाएगी बैक बॉडी, बैक बॉडी बन। ठीक है, पार्ट वन। ठीक है, यहाँ से हम पार्ट वन चालू करेंगे, इस हो जाएगा कितना कट 1 पीस। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा इसमें फ्रंट बॉडी, फ्रंट बॉडी पार्ट कितना ही 1। ठीक है, कट कितने हो जाएंगे, ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ से चीज़ क्लियर है। ठीक, हमने क्या है बैलेंसिंग पहले इसलिए डाली
बैलेंसिंग इसलिए डालना ज़रूरी होता है कि आपकी जब जैसे इस गारमेंट में गैदर पड़ेगी तो उसके बाद जो लुक क्या है वो आपका आना ज़रूरी है। तो इसलिए पहले ही हम चीज़ें डाल के रखते हैं। अगर बाद में आप डालोगे गैदर के बाद, तो आप बैलेंसिंग जो है अच्छे से नहीं बैठा सकते हो। ठीक है, कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं तो उनको हिसाब से हम पैटर्न को लेके चीज़ें बनानी होती हैं, और टेक्निकल के हिसाब से चीज़ें पैटर्न बनेंगी तो बहुत अच्छा बैठेगा आपका गारमेंट, नहीं तो आप पीस को बैलेंस ही नहीं कर सकते। ठीक, साइज़ चेंज कर लीजिए। तो साइज़ कौन सा है? साइज है इसका स्मॉल। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं हम। ग्लोबल पीस में जाएंगे, ठीक है, पीस में जाएंगे, फिर ग्लोबल पीस इन्फॉर्मेशन में यहाँ जाएंगे, यहाँ पे इसको स्टाइल नंबर डाल देते हैं, टी एड्रेस। ठीक है, टी एड्रेस, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, फाइल में जाओ, सेव एज करो। ठीक है, राइट दबाओ, पेस्ट करो। ठीक है, ये आपका यहाँ तक आ गया। ठीक, फ्रंट का हो गया। अब इसमें आ जाइए, आपकी टीयर जो है यहाँ से ले लीजिए। ठीक, कॉपी करिए यहाँ से एक। ठीक है, इसमें क्या है लगभग इसका, जैसे ये जो आपका बॉडी का फ्लेयर है, ठीक है, कितना है यहाँ से आप देख पाएंगे, तो करीब 9.5 इंची है। ठीक है, कितना है 9.5, तो इसको भी 9.5 कर लीजिए पहले। 9.5 का हो जाएगा आपका 19। ठीक, अब इसमें क्या है लगभग 50% का रेशियो आप बढ़ा सकते हो, आप चाहो तो 50 से कम भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसको 50 के लगभग बढ़ा के चलता हूँ। ठीक है, कॉटन फैब्रिक है तो थोड़ी गैदर थोड़ी ऐसी रहेंगी। ठीक, आप चाहो तो उससे कम भी बना सकते हो। ठीक, तो 50 कितना आ जाएगा इसका, 9.5 का आधा, हमें 9.5 बढ़ाना है टोटल, तो 9.5 का आधा कितना हो जाएगा आपका, माइनस इधर को आएगा 4.75, इतना आएगा आपका यहाँ से। ठीक है, ये इतना आपका हो जाएगा रेशियो। ठीक, ये हो गया लगभग 50% का। ठीक है, अगर आपको किसी को रेशियो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होती है तो हमने उस पर भी वीडियो डाली हुई है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब इस वाले पैनल को निकालो यहाँ पे। ठीक, ये हो गया आपका। सबसे पहले इस वाले पैनल को क्या करोगे, यहाँ पे आ जाइए, इस वाले पैनल को इसके बराबर करिए। कितना हो जाएगा, 14 14 15, ये पैनल के लेंथ नाप लो कितनी है, यहाँ से नाप सकते हो। ठीक है, ये करीब है 30 इंची के लगभग है, तो मैं इसको कर देता हूँ 30। ठीक, तो ये भी पहले 30 कर लीजिए। ठीक है, ये भी हमारी 30 हो जाएगी। ठीक है, ये बराबर हो गई। अब इसका लगभग 50% अगर आप डालते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से लगभग 15 इंची और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा करीब 45 इंची। ठीक है, और जस्ट ये एक पैनल ही आपका ये लेंगे, कितनी है लेंथ है इसकी, 13। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे 45 इंची, जो हमारा पिछले वाला है। ये हो गया आपका 45 इंची। ठीक, अब इसके हिसाब से आपको 50% गैदर डालनी होगी, तो आप क्या करोगे, इसका जो आपको आएगा 22.5 इंची बढ़ाना है, तो 11.25 आप इधर बढ़ा लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करोगे 11.25 इंची आप इधर बढ़ा लो। ठीक है, ठीक है, ये आपका एक 50% का रेशियो के हिसाब से आ गया। ठीक है, ये चीज़ें। ठीक है, इसमें जो आपको कॉमन चीज़ें जो ध्यान रखनी होती है, मेन चीज़ में ये आती है कि आपका जो गारमेंट है, ठीक है, आप चाहो तो उसको डिफरेंट रेशियो पे भी बना सकते हो, 40 पे बना दो। ठीक है, 40 45 पे भी बना सकते हो, 50 पे। हमने क्या है, हमें थोड़ी गैदर इसमें ज़्यादा दिख रही है, तो हमने क्या 50 के हिसाब से बनाया है। ठीक है, जब आप गारमेंट बनाओ तो आप कट्स का भी इसे स्पेशल ध्यान रखोगे। ठीक है, कॉटन में जो फैब्रिक रहता है नॉर्मल, जनरली क्या है इसमें ब्रिथ क्या आ जाती है आपकी, ठीक है, 58 58 इंची तक ब्रिथ जाती है, तो इसमें आ जाती है। ठीक है, और ये जो पार्ट है आपका सिफली का है, तो इसको ऑफ ग्रेन करोगे यहाँ से। ठीक, ये जो पार्ट है आपका सिफली है, तो इसको ऑफ ग्रेन करोगे। ठीक, तो फटाफट इस चीज़ को बना लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा बॉडी का, ये जो पार्ट है फ्रंट वन हो गया, इसको कॉपी कर लो यहाँ से। ठीक है, यहाँ आ जाओ, इसको पेस्ट करो। ठीक है, यहाँ पे फ्रंट प्लस बैक कर लो आप इसे पे। ठीक है, फ्रंट प्लस बैक, बॉडी पार्ट कितना हो जाएगा, 2, 2 नंबर का हो गया। कट कितने रहेंगे हमारे,
कट टू पीस, ठीक है। अब इसको कॉपी करो, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ये क्या नंबर पार्ट हो जाएगा, 3 नंबर, तो यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ डालो नंबर 3, ठीक। इसको कट टू पीस, ठीक है, क्योंकि 58 इंची तक ब्रथ आती है, 45 का पार्ट निकल जाएगा, ये तो ऑफ ग्रेन रहेगा ही, ठीक है, क्योंकि हम नीचे इसमें सिपली दे रहे हैं। यहाँ ले लो, कट कितने हो जाएगा, 4, ठीक ठीक है। बैक प्लस बॉडी की जगह आपका क्या आ जाएगा, इसमें टीयर आ जाएगा, ठीक है। कट कितने रहेंगे, कट वही दो दो पीस, यहाँ पे भी वही रहेगा, बॉडी की जगह क्या आ जाएगा आपका, टीयर, ठीक है। यहाँ पे भी वही रहेगा, बॉडी हटा दीजिए आप, ये आ जाएगा आपका फ्रंट प्लस बैक टीयर, ठीक है, ये आपके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो ये इनके पार्ट के नाम पड़ गए, ठीक है। इसमें क्या है, गैदर में किसी कोई कन्फ्यूजन रहता है, रेशियो पे हमने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, आप उन पे जाके देख सकते हैं कि कैसे आपकी वीडियो बनती है। तो फटाफट फटाफट गैदर के मेजरमेंट डाल सकते हो आप, ठीक है, जो आपको चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ तक ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो नीचे क्या है, ये आपकी सिपली है नीचे वाले पार्ट में, ठीक, ये तो हम क्या करेंगे, इसको सिपली के लिए इसके रेडी देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ लेके देंगे रेडी स्कैल्पिंग, ये आ जाएगा यहाँ पे रेडी स्कैल्पिंग, एज EDGE, ठीक है, एज। तो यहाँ मार्जिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। स्केल्पिंग आपकी कुछ भी रह सकती है अलग अलग, ठीक। ये हो गया आपका कट, इस पे मेंशन है आपका, ये हो गया, ये हो गया आपका, यहाँ हो गया, ठीक। बेस्ट में आपको नॉर्मली आपका चढ़ जाएगा, क्योंकि बेस्ट से चेस्ट फालतू है आपकी, ठीक है। चेस्ट में भी आपका टाइट नहीं आएगा ज़्यादा, क्योंकि इधर भी फैब्रिक मिल गया इधर का, और यहाँ पर भी कम से कम ऑल ओवर 1/2 इंची से 1 इंची बॉडी में लूज है, और फिर बैक में भी है, ठीक। पिक्चर अगर आप देखेंगे तो आपका बॉडी जो है गारमेंट ज़्यादा लूज नहीं है, अगर आप देख रहे हैं तो, ठीक है। तो हमने उसी हिसाब से चीज़ों को बनाया है, ठीक है। अगर जैसे किसी को इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो कैसे क्या है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अब इसके जो छोटे छोटे पॉइंट है फिनिशिंग के, वो देख लेते हैं। जैसे हमारी इनसाइड बाइंडिंग लग रही है गले में, ठीक है, तो वही हम इसको लगाएंगे, ठीक है। इसको सबसे पहले उठाइए, यहाँ से पकड़िए, यहाँ मार्जिंग डालिए सब में, एक बार में फिल करिए, 3 सूद का नॉर्मली मार्जिंग चलता है आपका, ठीक। ये हो गया, यहाँ पे आपका जो जाएगा ये 0 रहेगा, ठीक, सिंपली एज है। गले पे क्या है, आपकी इनसाइड बाइंडिंग है, तो 2 सूद का मार्जिंग रहेगा, और आर्मोल पे, ठीक, यहाँ 2 सूद और यहाँ 0, क्योंकि यहाँ पे बाइंडिंग दे रखी है, कायदे में उन्हें दोनों जगह एक ही चीज़ देनी चाहिए थी, ठीक। और ये भी आपका 2 सूत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ तक पॉइंट आ गया, ठीक। ये बैक हो गया आपका, ठीक है। यहाँ कितनी गैदर लिखनी है आपको, ये अब मेंशन करके लिख दी, यहाँ पे कितनी, 5.5 कितनी, 11, ठीक है। ये हो जाएगा आपका रेडी गैदर 11 इंची, यहाँ उसको उठाइए, मेंशन कर दीजिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक। यहाँ से कॉपी करिए, इधर आ जाइए, यहाँ पर कितनी आएगी, टोटल आएगी 19 इंची, ठीक है, 9.5 इधर है, 9.5 इधर, कितनी होगी, 19 19 दूनी 38 इंची करिए आपका, ये हो जाएगा, क्योंकि हमें इसकी ग्रे लाइन 19 दूनी 38, ठीक है, 9.5 9.5 19, ठीक है, 19 दूनी 38 ऑल राउंड आएगी, ठीक। अब यहाँ आ जाइए, ठीक है, पकड़िए, यहाँ से कॉपी करिए, लगाइए, यहाँ कितनी आएगी, 15 दूनी 30, यहाँ पे आ जाएगी 15 दूनी 30 30 दूनी 60 इंची लगभग, ठीक है,
ठीक है। और यहाँ पे आपकी ये जो आ जाएगी 22 साढ़े 22, 45, 45 यूनि 90, ठीक है। इसको कॉपी करिए यहाँ से, ये हो जाएगी आपकी 90 इंची, ठीक है। 9, ठीक है। 45 इंची पार्ट में होगी, 45 दूंगी तो ऑल राउंड लिखेंगे क्योंकि सर्कल में पड़ेगी गैदर, ठीक है। ये आपके यहाँ आ गया, ठीक है। अगर इसमें से किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अब रह गया इसका बाइंडिंग का पाइडन, वो सॉरी बैक की होल की बाइंडिंग का और लूप का। तो हम क्या करेंगे, आरमोल इसके सबसे पहले नाप लेंगे, आरमोल क्या है, ठीक। आपके आरमोल है 9 इंची, लगभग मान के चलो 9 इंची बैक का होगा, ठीक है। तो 18 इंची, 18 की जगह इसको कितना बनाएंगे हम, इसको बनाएंगे कम तो 25 इंची, ठीक है। फ्रंट नाप लो, लगभग वही होगा। तो एक कट इधर का, एक कट इधर का, एक गले का और एक बैंक की होल, वो और की होल जो बन रहा है बैक में, ये और लूप का, ठीक है। तो कट 4 देंगे तो ठीक है। इसकी लेंथ जो है इसकी बना सकते हो 22 से 25 इंची। तो हम बना देते हैं 18 इंची इधर आ रहा है, गला भी एक बार कैलकुलेट कर लोगे उस हिसाब से पहले, ठीक है। 4.5 इसको लेकर जो 4.25 आ रहा है, तो 4.5 ये हो गया आपका, ठीक। 10 इंची तो लगभग 20 इंच करीब आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, 23 से 24 इंची बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 24 बनाता हूँ, ठीक। मैं इसको 1.25 के लेता हूँ क्योंकि 2 सूत की रेडी आएगी, इसको 2 सूत की रेडी आएगी। इसको भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो उस पर आप चीज़ देख सकते हो, नेट प्लस आर्मोल प्लस आपको क्या है, बैक की होल, बैक की होल इनसाइड बाइंडिंग, ये हो जाएगा, ठीक है। बाइंड, ठीक, जहाँ इनसाइड बाइंडिंग लगी वहाँ इनसाइड बाइंडिंग, और जो की होल पे क्या है आपकी बाइंडिंग लगेगी तो वहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फटाफट क्या है, इसकी 22 में रहेगा तो इसको ग्रे लाइन घुमा लो, इसका एंगल सीधा करो, इसको रेशियो चेंज करो, ठीक है। कट कितने आएंगे, ये कट आएंगे 4 पीस, ठीक है। कट 4 पीस। अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन रहता है तो आप क्या करोगे, आपको जैसे इसमें कन्फ्यूजन है तो आप 3 इनसाइड बाइंडिंग को हो जाएंगे और एक बाइंडिंग का पैटर्न हो जाएगा जो आपकी की होल और उसमें और यूज होगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, पैटर्न हो गया, ठीक। इसमें से अब एक बार क्रॉस चेक चीज़ें कर लो कि क्या आपकी चीज़ें आ रही हैं क्या नहीं आ रही हैं, ठीक है, जिससे आपको पता चलता रहे, ठीक। जैसे आपको पीस है, ए लाइन है, थोड़ा फ्लेयर है, ठीक है। तो हमने उसी हिसाब से ये चीज़ें बनाई हैं, गला आर्मोल सारी चीज़ें बैठी हुई, डार्ट है ही नहीं पीस में, सिपली है नीचे, ठीक है। अब इसमें भी देख लो, बैक में आपका की होल था पीस में तो हमने की होल डाल दिया, गैदर पड़ रही थी तो हमने गैदर भी डाल दी है, ठीक है। मैं इसको भी दिखा देता हूँ, बैक का वाला भी आपका, ठीक है। इस साइड पे बैक में, बैक में की होल है, योक है, गैदर है, ठीक है। हमने 50% का रेशियो दिया है, आप चाहें तो थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसकी लंबाई जो है 48 इंची रखी है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा ये पैटर्न है, ठीक है, हमने इसको बनाया है, ठीक है। अगर इसमें कोई चीज़ जैसे आपको लगता है कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप क्या करो, कमेंट करके बताना, मैं उस पर चीज़ मैं आपको उस पर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपको जो मेन पॉइंट पड़ता है जो आपको पैटर्न बनाने का है, इसमें यही चलता है कि आपको ये चीज़ देखनी होती है, टेम्पलेट और आपका स्केच, पैटर्न का जो टेम्पलेट स्केच लगभग मैच करने चाहिए। मैच करेंगे तो गारमेंट आपका अच्छा निकल के आएगा, ठीक है। वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।